होने जा रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। खौफ और हरास देख रहे हैं कि गवर्नर को भी हटा दिया, क्यों हटाया ये पता नहीं है। शायद गवर्नमेंट ने भी गवर्नर ने भी पंजाब में अतम एतमाद किया हो उनके ऊपर कि ये आप गलत कर रहे हैं, सारे सील किए हुए रास्ते ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है इस बार पे तो, और इंशाल्लाह ताला एंट्री होगी, कामयाबी होगी इस मुल्क की, इस कौम की। एक ऐसे आदमी से जान छुटेगी जिस आदमी को पाकिस्तान के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी हो, और हमारी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं शेर को तो कर दिया था, अब दुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया है सिर्फ अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप। अगर ये कहे तो हम पाकिस्तान के किसी वजीरस्तान के एरिया में कोई 2000 गज का उंगला लेके नहीं कहेंगे तेरी बादशाह है, तो शायद राज़ी हो जाए। उनके अंदर वजीर आजम की सीट 3 दिन से ज़्यादा खाली नहीं है सकती, उसको चलाने के लिए शायद उसको 3 दिन में घर में बैठ के खाली गाना नहीं चाहिए। आखिर दिन आखिरी बॉल इस्तीफे दे देंगे कौमी असम्बली से, ये भी ऑप्शन है कि आईनी बरान तो नहीं सर पैदा होगा। अगर इस्तीफे देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, पहली मरतबा मैंने इनकी इस्तीफा रोकी थी जब अपोजिशन में थे, अब मैं अपोजिशन में नहीं हूँ तो कौन रोकने वाला है, तो सारे अकल कुल है। और इस्तीफा देंगे तो अपने आप को पार्लियामेंट से दूर कर देंगे, और अगर ये समझते हैं कि हम जलसे जुलूसों में जाएंगे, लोगों के पास जाके देख लें, जिन लोगों की रोटी बंद हो गई है, जिन लोगों की दवाएं बंद हो गई हैं, जिन लोगों का जीना हराम हो गया है, वो उनको कैसे जीने। शाह साहब, इस्तीफों से कोई नया क्राइसिस पैदा हो सकता है? क्यों पैदा होगा, इलेक्शन कमीशन मौजूद है,